हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme 2 Pro के बारे में। आपको पता होगा Realme 2 लॉन्च हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा कमाल धमाल नहीं कर पाया। सो अनाउंस किया गया था कि Realme 2 Pro आने वाला है और इसी मंथ यानी सितंबर 2018 में लॉन्च किया जाएगा। डेट अभी कंफर्म नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो स्मार्टफोन है वो ओप्पो का F9 Pro हो सकता है। और गाइज, Realme ने ऐसा बोला है कि ओप्पो उनके DNA में है, तो ओप्पो का ही कोई ना कोई स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा और ये ओप्पो F9 Pro बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है Realme 2 Pro के नाम से, तो ये वीडियो देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो यार लाइक कर दो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए यार सब्सक्राइब कर लो, साथ में क्लिक कर दो बेल आइकन पर। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो Realme 2 Pro के बारे में। तो यहाँ पे कौन सा स्मार्टफोन एक्चुअल में लॉन्च होने वाला है, तो अगर आपको याद हो तो अभी अभी चाइना में लॉन्च किया गया था ओप्पो का एक नया स्मार्टफोन जो कि था ओप्पो A7X, और इसकी डिजाइन आपको ओप्पो F9 Pro से बिल्कुल से मिलती हुई दिख जाएगी। सो यही स्मार्टफोन Realme 2 Pro के नाम से आ सकता है इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे ओप्पो F9 Pro इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको ऊक चार्जिंग मिल जाती है और बजट प्राइस के अंदर लगभग से 15,000 रुपए के अंदर ऊक चार्जिंग देना मुमकिन नहीं है। सो गाइस, यहाँ पे अगर हम बात करें ओप्पो A7X की, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया हुआ है वो है 6.3 इंचेस का 19:5:9 का जो एस्पेक्ट रेशियो है, और इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगी एक वाटर ड्रॉप नॉच। तो ये एक काफी अच्छी बात है कि आपको बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पे फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन दिया हुआ है। तो ये एक डिवाइस का प्लस पॉइंट है क्योंकि अगर आपने देखा हो Realme 2 में सिर्फ आपको HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे वो कमी दूर कर दी गई है। गाइस, बात कर लेते हैं फोन के प्रोसेसर की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि भाई यार फोन में कौन सा हमें प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और Realme 2 में हम लोग को देखने को मिला था स्नैपड्रैगन 450, तो काफी सारे लोग मतलब एकदम इरिटेट हो गए थे कि भाई यार मतलब इतना हाइप क्रिएट करके कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आ रहा है और उसके नाम पे स्नैपड्रैगन 450 हम लोग को दे दिया है। तो Realme 2 Pro में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है MediaTek का P60, जी हाँ MediaTek Helio P60, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा, या फिर यहाँ पे Snapdragon 660 भी देखने को मिल सकता है, जो कि ऐसे रूमर्स हैं। अब यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने के लिए आपको MediaTek के प्रोसेसर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको Snapdragon से ज़्यादा चीप प्राइस में देखने को मिल जाते हैं ये प्रोसेसर्स। गाइस, अगर बात करें यहाँ पे फोन के कैमरास की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर सेंसर। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपग्रेड रहेगा Realme 2 से, वहाँ पे आपको 13+2 मिलता है, लेकिन इस फोन में थोड़ा सा अपग्रेड आपको देखने को मिल जाएगा, और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिलेगा जहाँ पे आपको AI सपोर्टेड होगा। सो कैमरा के मामले में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पे की जाएगी, और इसके अलावा बैटरी आपको मिलेगी 4230 mAh की, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन अगर मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि 15,000 रुपये के आसपास अगर ये फ़ोन लॉन्च होता है तो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन ज़रूर से प्रोवाइड कराया जाएगा। 4GB रैम, 64GB और 6GB 128GB के साथ में ये फ़ोन आ सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें फ़ोन के प्राइस की, तो ये फ़ोन आपको 15,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉयड ओरियो 8.1 के साथ में कलर ओएस 5.2 इस फ़ोन में आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि रियलमी ने ऐसा कंफर्म किया कि वो अपना खुद का UI भी बना रहे हैं, तो हो सकता है आपको रियलमी UI देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपको कलर ओएस 5.2 देखने को मिलेगा। सो गाइस, ये था Realme 2 Pro का एक क्विक अपडेट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और मुझे लगता है कि अगर आपको ये फ़ोन 15,000 रुपये के अंदर मिलेगा तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले वाला, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन वाला और काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस वाला फ़ोन हो सकता है, और डेफिनेटली ये किलर हो सकता है। तो ये एक काफ़ी अच्छा कंपटीशन क्रिएट कर सकता है इंडियन मार्केट में। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए यार सब्सक्राइब कर दो, साथ में क्लिक कर दो बेल आइकन को। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।